Hello friends, now we are discussing another question. I hope you are liking my videos. इस क्वेश्चन में वो आपसे बोलता है फ्रॉम अ विंडो डेट इज 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन ए स्ट्रीट. ये कोई पॉइंट है, ये विंडो है ना, ये ए जो पॉइंट है यहाँ पे वो विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो एक विंडो जो कि 15 मीटर हाई है ग्राउंड से किसी स्ट्रीट में, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है टॉप पे, दिस इज़ द टॉप, वो जा रहा है 30 डिग्री, ये उसने बोला है आपसे. और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है फुट ऑफ द अनदर हाउस, जो कि हाउस के, ये जो हाउस का जो बॉटम है ना, फुट है या नहीं, ये जो फुट है इस पे जो एंगल जा रहा है वो जा रहा है 45. सो अगर ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है. और आपसे वो पूछ रहा है कि शो करके दिखाइए जो हाइट होगी इस हाउस की जो कि अपोजिट में है इस विंडो के, इस 23.66. इट्स वेरी इजी. सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है. ओके, तो लेट मी क्लियर यू फर्स्ट थिंग. लेट्स से दिस इज पॉइंट ई. आपको सबसे पहले ये बताना है जो हाइट है हाउस की वो क्या है. सो जो हाइट है हमारी ऑफ द हाउस जो कि अपोजिट में है इज, डोंट यू थिंक, इज डी ई प्लस ई सी, क्योंकि हाउस तो भाई पूरा डी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी सी यहाँ पे डी ई और ई सी को मिलके बनाए. यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, अगर ए बी 15 है तो ई सी भी 15 होगा, एग्री, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं तो सेम साइड होंगे, है ना. और डी ई को हम एज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस वाई, तो डी ई को मैंने वाई पुट किया, ए ई को मैंने एक्स पुट कर लिया है. और अगर ए ई एक्स है तो बी सी भी एक्स ही होगा, ठीक है. सो जो हाइट है इस हाउस की वो होगी वाई प्लस 15. तो हमें इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे वाई का वैल्यू चाहिए, क्लियर है. तो सबसे पहले आपने ट्राइंगल ए बी सी में जब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की तो आपने बोला 10 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पे 15, बेस है आपका x. 10 45 की वैल्यू होती है 1. ओके, सो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो आई है 15 मीटर्स. कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी था. इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं इसे. अब आपने जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी है वो करी है ट्राइंगल ए ई डी में, और जब आपने यहाँ पे फिर से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी तो ये बना 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में यानी डी ई अपॉन ए ई, डी ई है आपका यहाँ पे वाई, ए ई है आपका यहाँ पे एक्स. 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ओके, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी x अपॉन √3, ठीक है. कोई टेंशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आई. अब चलते हैं हम आपके हाउस पे, हाइट ऑफ द हाउस. हाइट ऑफ द हाउस है y प्लस 15. यहाँ पे y का जो वैल्यू आया वो x बाय √3 आया. सो जो हाइट होगी हाउस की उस पे चलते हैं अब सीधे y. y का मतलब है x अपॉन √3 प्लस 15. एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आई थी, 15 आई थी, तो हम यहाँ पे 15 पुट कर सकते हैं अपॉन √3 प्लस 15, एग्री. इस चीज़ का जब हम रैशनलाइज करवा देंगे तो ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा 15 इंटू √3 अपॉन 3 प्लस 15. 3 ने जब 15 को कट किया 5 हुआ. अभी आपकी इक्वेशन क्या हुई, 5 इंटू √3 होता है 1.73, है ना, प्लस 15 अभी भी रहेगा. यहाँ पे जब 5 इंटू 1.73 का आप इंटू करेंगे तो रफली आपका फिगर जो आएगा वो इसके अराउंड आएगा, ठीक है. तो ये आपको दे देगा सम हाउ 8.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 
सिक्स फाइव, ठीक है। और जब आपने इसमें 15 प्लस किया तो ये आपको नियरली नियरली ये आंसर दे देगा, है ना। और यही हमें प्रूव करना था कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 23.5 आना चाहिए था या 6 आना चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही वैल्यू इसका आएगा, है ना। सो दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू नाउ, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप ये गेम समझ आ रहा होगा आपको। थैंक यू।